हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नागांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नागांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल से, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तभी हम लोग कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा ना जी। हाँ, और कल के वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद आप लोग दिए, दिल से धन्यवाद। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे अपने अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों, शाम के टाइम हमारे यहाँ क्या बन रहा है। काबली मटर और चना, आलू सोयाबीन की सब्जी। हाँ, गैस कम है ना, तो नागांती जी दिमाग लगाती हैं, दाल बनाने वाला कुकर में सब्जी बना रही है कि थोड़ा जल्दी बन जाए। तो देखते हैं, बहुत जल्द भरवाएगी। अभी तो हम लोग पास बहुत स्थिति ख़राब चल रहा है, और देखते हैं बांस खरीदा जाता है तो फिर बाउंड्री भी करेंगे। हबड़ाने से तो कुछ लाभ होता नहीं है ना जी, लेकिन बेगर सामान का भी कोई काम भी नहीं होता है, ये भी हकीकत है कि नहीं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिलहाल तो अभी खाना बन रहा है और शाम को बज रहा है 7:15। अब बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। साफ सफाई करके बिस्तर लगा दिए हैं, तो यहाँ पे खर रखे हैं और उठा के वहाँ रखेंगे जो उधर रखे हैं। तो टाट ना यहीं पे बांधेंगे, और ये जो मिट्टी है जो हल्का हल्का खाप दिए थे, तो इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का उठा के इधर जहाँ डाउन है वहाँ पे भर देंगे। ऐसे ढलान सी बनाएंगे, उसी हिसाब से आलू बोएंगे, वो भी ललका आलू जो थोड़ा बहुत बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सा बालू बचा है तो मैं चाह रहा था कि इसको ना, ये जो नीचे नेव जो दिख रहा है ऐसी, इसको भी टिपकारी करके झाड़ू से खूब बढ़िया मार के, और फिर इसी कलर का इसको भी कलर करेंगे। अभी नहीं, क्योंकि दीपावली अभी है 10-15-20 दिन, तो एक हफ्ता रहेगा दिवाली तब, जब तक उससे पहले ये सब काम कर लेंगे, बाउंड्री का काम कर लेंगे, उसके बाद कलर करेंगे। नहीं तो फिर अभी कलर कर देंगे तो दिवाली आते आते डिसकलर जैसे दिखने लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात कुछ कार्य करने का, तो वो भी बहुत जल्द होगा दोस्तों। इतना दिन से हम लोग इंतज़ार किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं टाइम, टाइम वेस्ट भी नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी हम लोग से बन पाया, वीडियो बनाए, उससे 2 पैसा आया, अपना घर गृहस्थी चलाए, कुछ सीख भी लिए हैं, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखे हैं। आप लोग का आशीर्वाद उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इंतज़ार की जो फल होता है मीठा होता है, जितने में है अभी अपने खुश है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं और कुछ काम ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश बस कर रहे हैं, देखते हैं कब सक्सेस होते हैं, वो सब दिखेगा। फिलहाल अभी ये सब जो काम दिखाया उसको करने की आप लोग से आज्ञा चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसमें कोई इन्वेस्ट तो नहीं है, क्योंकि खर खुद काटे हैं और बांस खरीद के लिए आके इसका बाउंड्री कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें सब्जी उगाएंगे। थोड़ा सा जो बालू बचा है, चलिए आपको दिखाता हूँ, इसको खोलना पड़ेगा बालू दिखाने के लिए, दिख रहा होगा ये देखिए, तो उसको रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा बहुत काम है वो भी कर लेंगे। और सीमेंट जो बचा है ये वाला, ये देखिए, ज़्यादा दिन रहेगा तो ख़राब हो सकता है, इसीलिए घर में रखे हैं, तो कल ये वाला काम करना शुरू करेंगे। चलिए, अभी नागांती जी को अभी कुछ दिन दुख लिखा है, क्योंकि ये दुख ही है दोस्तों, 2 पैसा अगर रोज ना कहीं से कमा के लिया जाए, जैसे नौकरी अभी है नहीं, नौकरी में भी करते हैं तो हमें इतना तो पता रहता है कि इस तारीख को आज ना कल पेमेंट आएगा, उसमें अपना घर परिवार चलेगा, लेकिन हमारे पास तो अभी बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि जिस तरीके से व्यू जा रहा है उस तरीके से हमारा लग रहा है कि 4-5 महीना के बाद ही सैलरी आएगा यूट्यूब से, तो सोच के ही आदमी दुखी रहता है कि नहीं, क्योंकि कहीं कोई चीज़ आने की उम्मीद नहीं होती है, और पेट तो है ही है, भगवान जी का दिया हुआ, तो उसमें तो खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा, तो ये सोच के थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। और बच्चे दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, इतना दिन से जब इतना किए हैं तो और भी आगे बहुत कुछ होगा ना जी। चलिए, अभी फिलहाल खाना बन जाता है, उसके बाद कैसा टेस्ट बना है दिखाएंगे आप।
दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। अभी देख सकते हैं सुबह सुबह हम लोग ये खर जो काटे थे इसको पसार दिए हैं कि थोड़ा सूखेगा, उसके बाद टाट बांधेंगे। देख सकते हैं अभी ना ये खड़ा कर रहे थे बूझा किनारे किनारे, तो बांस टूट के गिर गया, तो अभी ऐसे हो गया है बाउंड्री। अब बाकी अभी बांस की व्यवस्था करके फिर टाट बांध के ये बाउंड्री करेंगे। तब देख सकते हैं नगांती जी और हम अपना दिखा रहे हैं थोड़ा क्या स्थिति है, कैसा हो रहा है हम लोग साथ। बाकी में बहुत परेशान है इस महीना में ना जी। हाँ तो चलिए अभी पत्रा देख के बताएंगे। थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ता है जैसे आप लोग कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाते हैं, हम लोग का साहस बढ़ाते हैं। पंडित जी जो देख के सच्चाई है बताते हैं, उससे हम लोग को सीख मिलता है कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में कि ढेर सारा खुशियाँ प्राप्त हो। धान फूटना शुरू हो गया है, कितना मस्त हो लग रहा है। और बाकी जो रोपे थे सब चीज़ एकदम दिन पे दिन बड़ा हो रहा है, देखते हैं कब तक फल देना शुरू करता है। वहाँ जो बीच वाला बांस था ना, वही टूट के इधर की तरफ गिर गया। अब दूसरा फिर बांस काट के हलाना पड़ेगा, तब फिर उसके हिसाब से इधर रख लगाएंगे। लेकिन उससे इसको इस बाउंड्री को करने से पहले वो वाला बाउंड्री पहले क्लियर करेंगे, उसी के बाद इधर हाथ लगाएंगे। कि उधर से ही ना बकरी जानवर सब घुसने का डर रहता है, तो पहले ये वाला इधर वाला काम करेंगे। इधर देख सकते हैं कितना सुंदर फूल है। तो अभी देख सकते हैं फाइनली हो गया है रात। क्या बन रहा है हमारे यहाँ, क्या बना रहे जी? और कल से तो चूल्हा पे खाना बनाना पड़ेगा के खत्म बन जाएगा है। उसमें से चूल्हा ही बना लेते, कल बना लेंगे चूल्हा। सब सब बढ़िया खर है, चूल्हा पे स्वादिष्ट भोजन बनेगा, टाइम से सुबह सुबह बना लेंगे ना। कुछ दिन के लिए किचन बंद करते हैं, बाहर में बनाएंगे चूल्हा। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कहाँ पे बनाइएगा। हाँ नीचे उधर परसद में ना, कल जाएगा मिट्टी लाने। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बनाने से व्यूज नहीं आ रहा है ना जी। हाँ तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। हाँ मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, हाँ वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।